हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिच के वीडियोस। और आज हम बात करेंगे किसी भी दवाई के पैकेजिंग पर लिखी जाने वाली टर्म RX, NRX या XRX क्यों लिखी हुई होती है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इन तीनों टर्म्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन को समझना होगा। फ्रेंड्स, प्रिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिस्क्रिप्शन एक रिकमेंडेड हेल्थ केयर प्लान होता है जो कि कोई भी ऑथोराइज्ड क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपने पेशेंट को देते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि दवाइयों पर RX, NRX या XRX वाली टर्म क्यों लिखी हुई होती है। तो इसका मीनिंग ये होता है फ्रेंड्स कि ऐसी दवाइयां जो किसी वैलिड प्रिस्क्रिप्शन पर ही खरीदी या बेची जा सकती है, इसलिए इन्हें RX, NRX या XRX वाली कैटेगरी में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स RX की। तो हमें पता होना चाहिए RX कोई वर्ड नहीं है, RX एक सिंबल है जो बहुत पुराने समय में एक प्रिस्क्रिप्शन को डिनोट करने के लिए बताया जाता था कि एक प्रिस्क्रिप्शन है। और आज मॉडर्न टाइम में भी एक प्रिस्क्रिप्शन को बताने के लिए हम प्रिस्क्रिप्शन पर RX लिखते हैं। फ्रेंड्स, RX उन दवाइयों की पैकेजिंग पर लिखा हुआ आता है जो मोस्टली शेड्यूल H और H1 की ड्रग्स होती हैं। तो ये था हमारा RX। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं NRX की। NRX का फुल फॉर्म होता है न्यू ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन, और यह यूज होता है शेड्यूल H के नार्कोटिक ड्रग्स के लिए। फ्रेंड्स, नार्कोटिक्स का मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो कि नशीली होती है, और इन दवाइयों को बिना प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं बेचा जाता है, और ड्रग रिटेलर को इन दवाइयों का रिकॉर्ड भी रखना होता है। फ्रेंड्स, RX ड्रग्स और NRX ड्रग्स में बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि हम RX ड्रग्स के प्रिस्क्रिप्शन को बहुत बार रिफिल कर सकते हैं, जबकि जब हम NRX ड्रग्स को लेने जाते हैं तो उसके लिए हर बार हमें एक नया प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। RX सिंबल की ड्रग्स हमें इंडिकेट करती हैं कि वो शेड्यूल H और H1 कैटेगरी की हैं और वो नॉन नार्कोटिक ड्रग्स हैं, जबकि NRX सिंबल की ड्रग्स हमें इंडिकेट करती हैं कि वो नार्कोटिक ड्रग्स हैं और शेड्यूल H की नार्कोटिक ड्रग्स हैं। फ्रेंड, नार्कोटिक्स ड्रग्स को एज अ एंटी डिप्रेसेंट, एंटी ट्यूसिव, एंटी एनजाइटी और एनाल्जेसिक में लिया जाता है। फ्रेंड्स, नार्कोटिक्स का मिसयूज ना हो इसलिए उसके लिए एक प्रोविजन भी बनाया गया है। नार्कोटिक्स के मिसयूज से एडिक्शन होता है और उस एडिक्शन से गंभीर हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं XRX ड्रग्स की। तो ये नार्कोटिक्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है, और XRX ड्रग्स के ऐसे सब्सटेंस जो कि साइकोट्रॉपिक होते हैं उनके लिए अलग से शेड्यूल बनाया गया है, शेड्यूल X। और जब भी ड्रग रिटेलर XRX ड्रग्स बेच रहा है तो उसके पास NRX ड्रग्स का लाइसेंस और XRX ड्रग्स का लाइसेंस होना जरूरी है, और ड्रग रिटेलर को प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी को 2 साल के लिए रखना होता है रिकॉर्ड के तौर पर, तभी वो इन ड्रग्स को बेच सकता है। और XRX ड्रग्स जनरली उन पेशेंट को काम आती है जिन्हें मेंटल डिसऑर्डर होता है। NRX और XRX में ये डिफरेंस होता है कि NRX को हम शेड्यूल H की नार्कोटिक्स ड्रग्स में रखते हैं, जबकि XRX को हम शेड्यूल X की हेवियर नार्कोटिक्स ड्रग्स में रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।